गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 5 इज पेट्रोलियम। सो लेट अस स्टार्ट। अनलाइक कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट, ठीक है, जैसे कोल हम लोग फॉर्म करते हैं रिमेनिंग प्लांट से, पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड द रिमेन्स ऑफ एनिमल इन द सी गॉट ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मीन जो पेट्रोलियम का फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इन सी दैट गॉट ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्री रॉक। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सी में अगर प्रेजेंस होते हैं आफ्टर द डेथ, सो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और वही सेडिमेंट्री रॉक्स से हम लोग पेट्रोलियम ऑप्टेन करते हैं। द रिमेन्स ऑफ ट्रैप्ड लिविंग मैटर गॉट कंप्रेस्ड इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब जो उनका जो रिमेन्स होता है, मीन जो लिविंग मैटर होती है, मीन जो एनिमल्स होते हैं उनका जो जब रिमेन जो लास्ट में वेस्ट प्रेजेंस रहता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स में एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। ड्यू टू हीट एंड इंटेंस प्रेशर की वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनका जो लिविंग मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पेट्रोलियम ऑकर्स आर लिक्विड डीप अंडर द अर्थ। मीन तो पेट्रोलियम कहाँ पर प्रेजेंस होता है, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंस होता है डीप अंडर द अर्थ सरफेस और अंडर ओशियन बेड्स। मीन जो ओशियन होता है उसकी जो अंडर सी के अंदर जो प्रेजेंस होता है बिटवीन लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स, मतलब सी के अंदर जो नॉन पोरस रॉक्स प्रेजेंस होती है उनकी लेयर्स में पेट्रोलियम प्रेजेंस होता है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम इज ऑयली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम किस किस का मिक्सचर होता है, ऑयली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, मतलब पेट्रोलियम को लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। फिर सेवरल फ्यूल्स एंड अदर सब्सटेंस सच एज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हम लोग लिक्विड में यूज करते हैं एंड यूजिंग कुकिंग गैस कॉल्ड एलपीजी। मतलब पेट्रोलियम गैस जो होती है उसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, कुकिंग पर्पज के लिए, और किस फॉर्म में यूज करते हैं तो एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर पेट्रोलियम का दूसरा सब्सटेंस क्या है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन बैग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये सारे क्या होते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे केरोसिन हो गया, डीजल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन बैग्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब कहाँ से हम लोग पेट्रोलियम को ऑप्टेन करते हैं, देख सकते हैं, ऑप्टेनिंग पेट्रोलियम वेल्स डग एट डीप ऑफ 5 to 10 किलोमीटर रीच इन द डेपोजिट ऑफ ऑयल एंड गैस। मतलब कि जब सी वाटर के अंदर हम लोग 5 to 10 किलोमीटर अंदर सर्च करते हैं किसमें, डेपोजिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस, व्हेन ऑयल गेट वेल रीच पेट्रोलियम डेपोजिट्स नेचुरल गैस कम आउट फर्स्ट एंड ग्रेट प्रेशर आफ्टर विच पेट्रोलियम कम आउट बाय इटसेल्फ। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे पेट्रोलियम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे क्या होती है, सबसे फर्स्ट में कौन मिलता है हमको, नेचुरल गैस कम फर्स्ट एंड ग्रेट प्रेशर आफ्टर विच पेट्रोलियम कम बाय इट इटसेल्फ, और उससे क्या होता है बाद में हमको पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं। आफ्टर प्रेशर सब्स्टिट्यूट्स द पेट्रोलियम पंप आउट एज वेल एज, हम यहाँ पे इसमें देख सकते हैं पिक्चर में ये क्या है, ऑयल वेल ऑन द लैंड, लैंड से हम लोग ऑयल को कैसे ऑप्टेन करते हैं, टू डिफरेंट प्रोसेस से, एंड ऑयल वेल इन द सी, सी में किस तरीके से ऑयल को ऑप्टेन करते हैं ये हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है इसी में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब जो पेट्रोल हम ऑप्टेन करते हैं अर्थ सरफेस या फिर सी वाटर से वो कैसा होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंस होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल ऑप्टेन फ्रॉम ए वेल
इन डार्क विस्कस ऑयली लिक्विड मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो क्रूड ऑयल होता है, मीन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो डार्क कलर में प्रेजेंट होता है, गाढ़ा होता है, मीन विस्कस ऑयली लिक्विड मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें ढेर सारे हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज सेपरेट इंटू डिफरेंट कंपाउंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की हेल्प से हम लोग सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेन विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन जब हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को करते हैं तो क्या करते हैं, सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेन इन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ कंपोनेंट विथ सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। फिर द कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड फ्रैक्शन, मीन इनके जो कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस विद सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट आर ऑब्टेन बाय ईच फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन पेट्रोलियम का जब भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, टू और मोर सब्सटेंस सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं, उसको बॉइल करते हैं। एग्जाम्पल, पेट्रोल एंड डीजल आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। पेट्रोल और डीजल का जो मिक्सचर होता है उनको सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करते हैं। दे आर यूज सच एज विदाउट फर्दर सेपरेशन इफ प्योर सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड फर्दर सेपरेशन ऑफ ईच फ्रैक्शन कैरीड आउट। अगर हमको प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना है तो इसको फर्दर हम लोग बॉइल कर देते हैं। डिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इंटू कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। जब रिफाइनिंग की प्रोसेस करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट क्रूड ऑयल इट्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल से उसके कंपोनेंट में सेपरेट आउट करते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। रिफाइनिंग इज डन इन सिलेंड्रिकल कॉलम। रिफाइनिंग करते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कॉलम में, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब क्रूड ऑयल इज फर्स्ट हीटेड 4000 डिग्री सेल्सियस। क्रूड ऑयल को हम लोग पहला सेल्सियस पे हीट करते हैं। द वेपर फॉर्म्ड फेड इनटू फ्रैक्शनल कॉलम, इसको फ्रैक्शनल कॉलम में लेके जाते हैं। द वेपर ऑफ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शनल कंडेंस, जो फ्रैक्शनल हायर जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर ऑप्टेन होती है उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं फर्स्ट नियर द बेस ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द वेपर ऑफ फ्रैक्शनेटिंग विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस एंड डिफरेंट हाइट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो वेपर ऑप्टेन होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से उसको क्या करते हैं, लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे उसको क्या करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट को उसको कंडेंस करते हैं एट डिफरेंट हाइट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। प्रोसेस कंटिन्यू टिल अंटिल द क्रूड ऑयल सेपरेट इनटू 5 और 6 फ्रैक्शन। ये प्रोसेस तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं जब तक कि क्रूड ऑयल उसके 5 और 6 फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। द लाइटर फ्रैक्शन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मीन लाइटर जो फ्रैक्शन है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। द ऑब्टेन टूवर्ड्स टॉप ऑफ द कॉलम, द हाइएस्ट फ्रैक्शन इज द पेट्रोलियम ग्रेड एट द टॉप। लोएस्ट कहाँ पे होगा, एट द बॉटम एंड हाइएस्ट एट द टॉप। द नेक्स्ट इज नेप्था फॉलोड बाय पेट्रोल कैरोसिन डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑप्टेन। इन सभी से जैसे नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस को बॉइल करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट ऑप्टेन होते हैं। द रेसिड्यू लेफ्ट एट द बॉटम इन फर्दर डिस्टिल्ड टू गिव पैराफीन बैक्स। जो रेसिड्यू बचता है मीन्स आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, फर्दर डिस्टिलाइट कर देते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, पैराफीन एंड वैक्स वैक्स एंड एस्फॉल्ट। दीज आर शोन इन फिगर, हम इसको फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है फिगर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है इसमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं कि पेट्रोल कितने डिग्री पे ऑप्टेन करते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोलियम ईथर हम लोग 32-80 डिग्री सेल्सियस। गैसोलीन ऑप्टेन करते हैं एट 82-170 डिग्री सेल्सियस। कैरोसिन ऑप्टेन करते हैं 170-250 डिग्री सेल्सियस। डीजल ऑप्टेन करते हैं एट 250-350 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल ऑप्टेन करते हैं 350-400 डिग्री सेल्सियस एंड रेसिड्यू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस पर रेसिड्यू ऑप्टेन करते हैं। और इसी रेसिड्यू से हम लोग पैराफीन वैक्स एस्फॉल्ट एंड पेट्रोलियम कोक के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की।
सो स्टूडेंट इट इज सफिशियंट फॉर पेट्रोलियम. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू सो मच.